العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सूफियाज़ व्लॉग और आज हम बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक। ओरियो शेक को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताते चलूँ, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो एक मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने ओरियो शेक के लिए हाफ कप क्रीम लेनी है। हाफ कप क्रीम मैंने 4 टेबल स्पून क्रीम ली है, और उसके अलावा जो है ओरियो बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं, उसके अंदर तकरीबन 10 टू 15 ओरियोज़ हैं। 4 टेबल स्पून शुगर है, उसके अलावा गार्निशिंग के लिए चॉकलेट और साथ में चॉकलेट चिप ले ली हैं। आप देख सकते हैं गार्निशिंग के लिए चॉकलेट थी मेरे पास, मैंने उसको क्रश कर ली है और साथ में ये जो है चॉकलेट चिप ले ली है, साथ में आइस और 1 कप मिल्क। तो मैं आपको दोबारा बताती चलूँ जो चीज़ें चाहिए होंगी, हाफ कप क्रीम, ओरियोज़ 10 टू 15, जितने भी आप चाहें, जितनी आपकी क्वांटिटी है, 4 टेबल स्पून शुगर, साथ में गार्निशिंग के लिए चॉकलेट, क्रश चॉकलेट और साथ में चॉकलेट चिप, आइस और मिल्क। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक ग्राइंडर लेना है। अब सबसे पहले जो है वो ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर 1 कप मिल्क डाल देना है। 1 कप मिल्क डाल दिया, उसके बाद जो है इसके अंदर ओरियोज़ डाल देने हैं। और ये डालने के बाद इसके अंदर जो है 4 टेबल स्पून शुगर डाल दें, शुगर डाल दी। सबसे पहले जो है इसको ग्राइंड कर लेना है, तो मैं आपको इसको ग्राइंड करने के बाद दिखाती हूँ। 2 से 4 मिनट्स तक आपने इसको ग्राइंड करना है ताकि शुगर और ओरियो सही तरह से ग्राइंड हो जाए। जो है ग्राइंड कर लिया, आफ्टर 2 से 4 मिनट्स इसके अंदर आइस डाल देंगे। आइस डालने के बाद जो है इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे 3 से 4 मिनट्स के लिए, ताकि आइस अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। रहीम, ये देख लीजिए, ये हो चुका है आइस डाल के। अब इसके अंदर एंड के ऊपर आपने क्रीम ऐड कर देनी है, 4 टेबल स्पून क्रीम है। अब इसको 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेना है ओवरऑल। रहीम, इसको ग्राइंड कर लिए, देख लीजिए कितना क्रीमी है। तो अब सबसे पहले ग्लास को गार्निश करना है, उसके बाद हम इसके अंदर पोर करेंगे ग्लास के अंदर मिल्क शेक को। आपने चॉकलेट सिरप लेना है, इस तरह से आपने चॉकलेट को ग्लास के चारों तरफ जो है वो लगा देना है। ये दोनों ग्लास जो है इसके अंदर चॉकलेट डाल ली गई है, इसके अंदर अब हमने शेक डाल देना है। अच्छा, शेक डालने से पहले थोड़ी सी जो चॉकलेट क्रश की हुई थी वो मैं थोड़ी सी ग्लास के अंदर डाल दूंगी, उससे क्या होता है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देख लीजिए कि हमारा जो शेक है ओरियो शेक बहुत ज़्यादा क्रीमी है। अब इसके ऊपर जो है चॉकलेट जो है उसको कर देंगे स्प्रिंकल, जितनी भी आप डालना चाहें। और उसके बाद थोड़े से चॉकलेट चिप लिए थे वो भी आप डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो हमारा ओरियो शेक जो है वो तैयार हो चुका है। ओरियो शेक की रेसिपी फॉलो कीजिएगा और बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह। ये देख लीजिए ओरियो शेक तैयार हो चुका है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और ओरियो शेक जो है वो तैयार हो चुका है। आप ये देख लीजिए, एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि चारों तरफ जो है ग्लास के वो चॉकलेट सिरप से डाली हुई है, उसकी गार्निशिंग की हुई है और इसके अंदर जो है क्रीमी मिल्क शेक है। प्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।